आप लोग क्या निर्णय हुआ, किस तरह का फैसला देखिए, हुआ? हम लोगों ने बिहार के जो प्रदेश प्रभारी हैं माननीय कालिका चौधरी अरविंद यादव जी और प्रदेश अध्यक्ष अजय विक्रम चौधरी जी और उपाध्यक्ष सुरेंद्र कुमार जी, इन सभी साथियों के साथ एक टिकट वितरण समिति का हमने गठन किया है, जो केंद्रीय पार्टी के जो केंद्रीय कार्यालय दिल्ली में है, गाजियाबाद में है, वहां पर इन सभी बैठकों की सूचना लगातार वहां भेजी जा रही है। वहां से एक निरंतर एक समन्वय समिति बना करके टिकट वितरण समिति के साथ हम लोग एक बैठक कर रहे हैं कि किस आधार पर कहां कहां से किन किन विधानसभाओं में हमारे प्रत्याशी कैसे होने चाहिए, उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। हम लोगों ने एक योग्यता निर्धारित किया है कि वो उसके शिक्षा का स्तर अच्छा होना चाहिए, उसके समाज में छवि अच्छी होनी चाहिए और कम से कम वादे के प्रति वफादार होना चाहिए। जनता से अब कोई भी पार्टी आती है या कोई भी एमएलए आते हैं, चाहे पूर्व के एमएलए हो, चाहे वर्तमान के एमएलए हो, एमपीज हो, आएंगे वादे करेंगे। ये ऐसा क्यों होता है? जब चुनाव आते हैं तभी सारे वादे क्यों लोग करते हैं? तो ऐसा हम लोग चाहते हैं कि इस तरह के फेक वादे यानी फेक प्रोमिसेस जो है उस पर कार्रवाई होना चाहिए और हमारा पदाधिकारी जो जनता के बीच में जो वादे करे उसको अपने डायरी में नोट डाउन करे, हम लोग उसका समीक्षा करके उसको सरकार में आते ही तत्काल प्रभाव से 24 घंटे के अंदर उस पर काम शुरू करने का हम लोग काम करते हैं। जी, जैसे आपने बिहार में प्रत्याशी उतारने का काम किया, अगर आपके प्रत्याशी बहुमत वोटों से जनता विश्वास को जिताती है तो उनके लिए क्या विश्वास अधिक खराब उतारने का काम करेंगे प्रत्याशी? देखिए, जनता जनतंत्र में लोकतंत्र में सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है। अभी तक जनता को ठगने का काम किया गया है, सभी को देख लिया इन लोगों ने। और मैं बिहार के सम्मानित जनता से अपील करना चाहता हूं कि अब आप लोग एक नए क्रांति के साथ, एक नए विचारधारा के साथ, एक नए सोच के साथ एक नए युवा को अवसर दीजिए, बिहार की खुशहाली और बिहार की जनता के विश्वास पे खरा उतरने के लिए मैं 100% वादा करता हूं कि अगर वादा करूंगा तो निभाऊंगा, नहीं तो जेल जाऊंगा। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, जिस तरह पूरे देश में चाहे भाजपा की चल रही है सरकार, बिहार में भी गठबंधन से चल रही है, ता इन सरकार केंद्र सरकार के हो चाहे प्रदेश सरकार के हो, किस रूप में इनकी देखते हैं? जैसे आप आए दिन हत्याएं हैं, थाने के पास ही आते आप देखे होंगे, यूपी में बलिया में एक दिन दहाड़े थाना पर ही हत्या हो जाती है पास में। देखिए, मैं अभी बिहार के समीक्षा बैठक में आया हूँ, मैं यूपी के किसी भी शब्दों का आपके सवालों का जवाब देने में असमर्थ हूँ। जो वहाँ की सरकारें चल रही हैं वो वहाँ के बारे में जब अलग से आप लोग वार्ता करेंगे तो मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करूंगा, बताऊंगा। लेकिन केंद्र में भाजपा की सरकार है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा था, वो वादे कहाँ गए? 15 लाख खाते में देने का वादा था, वो कहाँ गया? लोगों को स्किल डेवलपमेंट के अंतर्गत लोगों को प्रशिक्षित करके रोजगार दिलाने का काम था, उसमें कई 1000 करोड़ की योजना थी, वो योजनाएं कहाँ गए? एक भी धरातल पे नहीं है, सिर्फ कागजों में है। और इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार है, क्योंकि केंद्र में भी सरकार है, एसोसिएशन में कोलिजन में बिहार में भी सरकार है, उत्तर प्रदेश में भी सरकार है और कई राज्यों में भी सरकार है। लेकिन जो आपका सवाल है उत्तर प्रदेश को लेकर के, उत्तर प्रदेश में ना तो लाइन ऑर्डर की व्यवस्था ठीक हो पा रही है, ना ही वहां की सरकार बेहतर ढंग से चल पा रही है। मनमाने ढंग से कुछ भी, मतलब कोई भी ऑर्डिनेंस पास कर दिया जा रहा है। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि एक मामला प्रकाश में आया है जिसमें SSF का गठन किया जा रहा है, उसमें किसी भी मजिस्ट्रेट की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर वो मीडिया का आदमी है, कोई लीडर है या कोई भी आदमी है, आम आदमी है, किसी भी समय उसको जाके गिरफ्तारी करेंगे और गिरफ्तारी करके जेल में डालने का काम करेंगे, उस पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो ये तो तानाशाही तंत्र है, लोकतंत्र रहा ही नहीं। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो सपना देखा था उसका ये लोग धोखा कर रहे हैं, उनके सपनों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं। लेकिन जनता अब जागरूक हो गई है और केंद्र की सरकारों को भी देख लिया, केंद्र की सरकार का जो रवैया है, जो प्रदेश की सरकार की रवैया है, इसका खामियाजा बिहार की जनता अपने वोट से EVM का बटन दबा करके इनको यहाँ से बेदखल करेगी। जी, जिस तरह से केंद्र सरकार निजीकरण करने जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये दुर्भाग्य है, जब देश में या लोकतंत्र में जब हमारी संस्थाएं, चाहे वो
संग्रहालय हो, चाहे रेलवेज हो। प्रधानमंत्री जी का एक बयान आया था जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि रेलवे को मेरे से अच्छा कोई मोहब्बत करने वाला नहीं होगा, क्योंकि मैं बचपन से रेलवे को देखा है, हमने हमारा बचपन गुजरा है रेलवे में, हमने रेलवे में चाय बेचा है। तो जो अपने माँ की रक्षा नहीं कर सकता, जहां से रोजगार मिलता है वो माँ होती है, और माँ की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। अगर माँ की रक्षा हम नहीं कर सकते तो उसका कुर्सी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने कहा था मैं रेलवे को कभी प्राइवेट नहीं होने दूंगा, और दूसरी सरकारों ने भी जो अगर प्राइवेट करने की साजिश की या कोशिश की तो उस पर इन्होंने कहा था कि मैं आज रेलवे के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दूंगा और मुझे चौराहे पर खड़ा करके गोली मार दीजिएगा। ये सब झूठी नकली बातें ये अब जनता समझ गई है, अब ये सब ज्यादा नहीं चलने वाला है। जनता के सामने सारी चीजें प्रकाश में आ गई हैं, और किसी के जनता की आवाज को दबाने के लिए आप नए नए कानून पारित कर रहे हैं, और आप जो स्वयं कर रहे हैं, अरे आपके लिए देश में सारा कुछ जो है अडानी अंबानी ही है, व्यापार करना है आपको, काम करना है आपको, तो आप क्या देश को बेच देंगे? ये तो देश को बेचने का काम कर रहे हैं आप लोग, गुलामी की तरफ हम लोग जा रहे हैं, गुलामी में बहुत कुछ बचा नहीं है। मतलब शासन आपकी जब संस्थाएं जब प्राइवेट हो जाएंगी आप शिकायत किसकी करेंगे? प्राइवेट आदमी तो अपने ढंग से करेगा ना। जनता को समझने की आवश्यकता है, एक लोकतंत्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, देश हित में बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ, ऐसा देश में नहीं हो। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।